So my starting point is this proposition that the very foundation of Indian Republic is under challenge, under threat, that it needs to be saved. Development ke bare mein aap keh sakte hain ki A, what is Indian? Second, what have we achieved? And the fact is that we've not achieved very much. Sach baat ye hai ki development ke prashn pe diversity pe main keh sakta hu puri duniya ko hamare paas lesson sikhane ko hai. Lekin development ke bare mein hamare ko kya lesson hai? Ye to mushkil hai kyunki humne iske bare mein aaj ki desh mein ki garibi hai, aaj bhi sab kuch hai. Aur in any case, Europe ki development ki hum nakal kar rahe hain, what is so special about it? What is Indian about this? The idea of development is not Indian. But there are two things Indian about it. Two ideas which originated in India, which have global relevance to thinking about development. Pehla, jo Gandhi ji ne kaha tha, ki vikas khushhali ko antim vyakti ke najariye se dekha jaye. Jo Gandhi ji ka famous quote hai. कि अगर कभी भी दुविधा में हो तो याद करो सबसे गरीब व्यक्ति को, सबसे असहाय व्यक्ति को जिसको आपने देखा हो जिंदगी में, और अपने आप से पूछो कि क्या उसको फायदा होगा. सो व्हाट्स द प्रिंसिपल? द प्रिंसिपल इज लास्ट पर्सन फर्स्ट. विकास ऐसा हो जिसमें अंतिम व्यक्ति सबसे आगे हो. ये बात कहने वाली, ये बात भारत में शुरू होती है. और दूसरी और उससे बड़ी बात जो भारत में शुरू होती है वो ये कि विकास की जो यूरोपियन अवधारणा है उसकी दुनिया में नकल करने की कोई जरूरत नहीं. मॉडर्न डेवलपमेंट जो है वो पूरी दुनिया के लिए रेलेवेंट नहीं है. यूरोप में जिस किस्म की मॉडर्न डेवलपमेंट आई है वो बाकी दुनिया, एक तो यूरोप के लिए खुद बड़ी खतरनाक है और बाकी दुनिया के लिए रेलेवेंट नहीं. हमें डेवलपमेंट के दूसरे मॉडल्स और दूसरे पैराडाइम्स ढूंढने हैं. इसके ऊपर आपके शिविर में कई बार बात हुई होगी. ये बिल्डिंग, ये संस्था इसका प्रमाण है, इसलिए मैं इसको बहुत लंबा नहीं बोलूंगा. और ये भी कि भारत ने इसके अंदर बहुत विशेष हासिल नहीं किया है, हमने ये बात कही है, लेकिन इसको वास्तव में हासिल करने में हम सफल नहीं हुए, बहुत बुरी तरह से असफल रहे. लेकिन ये विचार हमने दिया है, ये विचार कि मॉडर्न डेवलपमेंट के अलग अलग पैराडाइम हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं. ये भारत में शुरू हुआ है ये विचार. इट्स अ वेरी बोल्ड एंड रेडिकल थॉट. इसके बारे में एक आखिरी बात कहूंगा और खत्म कर दूंगा इस बात को. वो ये, मॉडर्निटी क्या है? हम सब मॉडर्न होना चाहते हैं, अच्छी बात है शायद, बट मॉडर्निटी है क्या? क्या यूरोप में जो कुछ हुआ उसकी नकल करना मॉडर्निटी है? अगर वो मॉडर्निटी है तो फिर यूरोप मॉडर्न कैसे हुआ? यूरोप जब मॉडर्न हो रहा था तो वो किसकी नकल कर रहे थे? किसी की नहीं. वो मॉडर्न कैसे हुए? यूरोप ने किसी एक स्टेज पे सोचा, देखा और कहा कि आज हमारे पास जो समस्याएं हैं उसका पूरे इतिहास में कोई पैरेलल नहीं, हमें अपने लिए नए सॉल्यूशंस बनाने होंगे जो दुनिया में कभी नहीं बने, हमें कुछ ऐसे विचार स्थापित करने होंगे जो कि हमें पास से कभी नहीं मिले. वो हिम्मत से बजाए वो वापस पलट सकते थे, कह सकते थे कि वापस पास में जाएं, सिक्योर है, वहां रहें, हमें इस अनसर्टेनिटी से डील नहीं करना. लेकिन यूरोप ने ये नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम इन अनसर्टेनिटी से डील करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ऐसी नई चीजें निकालेंगे जो दुनिया में किसी ने नहीं निकाली. उस बात को आजकल हम मॉडर्निटी कहते हैं. यानी कि अगर आपको मॉडर्न होना है तो किसी को इधर उधर देखना, वो ऐसा कर रहा है मैं ऐसा कर लूं, दैट वुड नेवर मेक यू मॉडर्न. मॉडर्निटी इज अबाउट थिंकिंग वेयर यू आर and coming up with radically new ways of thinking about solving your problem here and now. Trying to imitate someone else can make you anything but not modern. Isliye, what we need is desi modernity. Modernity is always desi. Desi nahi hai to modernity nahi hai. Aur Hindustan mein
गांधी जी को आप मॉडर्न नहीं कहेंगे, गांधी जी भी अपने आप को मॉडर्न नहीं कहते, बट डू रिमेम्बर गांधी जी घड़ी रखते थे, और कोई व्यक्ति लेट हो जाता है, जैसे मैं अपने लेक्चर को लंबा कर रहा हूं, तो गांधी जी बाय नाउ वुड हैव शोन द वॉच. गांधी जी लोगों को कहते थे आपके 3 मिनट पूरे हो गए, आप चले जाइए. दैट्स वेरी वेरी मॉडर्न, बहुत कम लोग किसी ट्रेडिशन उसमें नहीं है. गांधी जी अपने आप को मॉडर्न नहीं कहते थे, लेकिन इन लोगों ने एक नई किस्म की मॉडर्निटी को इनॉगरेट किया. आज भारत के सोचने वाले लोगों का सबसे बड़ी मानसिक गुलामी ये है, इट्स मेंटल स्लेवरी, दैट वी आर कंडेम्ड टू रिपीट द हिस्ट्री ऑफ यूरोप. हिंदुस्तान का इकोनॉमिस्ट भी यही सोचता है, हिंदुस्तान का प्लानर भी यही सोचता है, हिंदुस्तान का इंटेलेक्चुअल भी यही सोचता है कि देश में 50% किसान है, 5% करने हैं हम, 50 को घटा के 5 करना है. क्यों करना है भाई? अरे यूरोप में यही हुआ था, जब यूरोप मॉडर्न हुआ तो 50% वहां भी थे, वहां 5% हो गया, हमारे भी 5% होंगे. अरे भाई वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, उनके पास दूसरी चीजें थी, आप कहां भेजेंगे इन लोगों को, हमारे शहरों में जगह नहीं है. नहीं नहीं, यूरोप में हुआ था इसलिए हमें करना है. दिस इज द बिगेस्ट मेंटल प्रिजन. This is not modern. This is very conservative thought. Modernity is about thinking afresh. Is about thinking of new paths and new pathways. तो जो तीसरा विचार हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे बनावट में वो है डेवलपमेंट का ऐसा एक ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल. पूरी दुनिया में मॉडर्निटी की ऑल्टरनेटिव ट्रेजेक्टरीज रही है, हम एक ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बनाएंगे, ये विचार कहीं ना कहीं मिलते हैं, हालांकि हमने उसको रियलिटी में इंप्लीमेंट नहीं किया.